देवास जिला मुख्यालय के अंतिम छोर पर खातेगांव नगर में आज एक चोरी का नया मामला प्रकाश में आया है। दो अज्ञात लोगों ने सीआईडी के लोग बनकर भोले भाले किसान के झोले से 50,000 रुपए चुरा लिए। खातेगांव पुलिस ने किसान की रिपोर्ट पर दो अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया है। खातेगांव थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान मोहन ने बताया है कि मैं मोहन पिता मांगीलाल राठौर जाति तेली उम्र 52 साल निवासी ग्राम सोमगांव थाना खातेगांव का होकर खेती करता हूं। मेरा खाता जिला सरकारी बैंक मंडी प्रांगण खातेगांव में है। वहां से तो किस काम से आए थे? बैंक में पैसे लेना है। कौन सी बैंक? वो मंडी में नहीं सर, जिला सरकारी। जिला सरकारी बैंक से तुमने कितने पैसे निकाले आए? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए गेहूं के बिक्रे के? चने के। चने चने के थे। और पैसे कितने बजे करीब निकाले थे? वो पैसे तो मेरे तरह निकल गया 12 बजे करीब। 12 बजे वो बाबा का लेट रहता है। वो बाबा का लेट, फिर बाबा के लेट, पैसे निकालने के बाद कहाँ गए? कहीं नहीं गए, घर ही जा रहे थे हम। वो बाबा ने कहा यार मेरा सामान ले लो, 1 किलो शक्कर 1 किलो तेल। तो तुम लोग क्या मोटरसाइकिल से थे? मोटरसाइकिल। कौन चला रहा था मोटरसाइकिल? मैं चला रहा। और पैसे कहाँ रखे थे? मेरे पास था पैसे। पास में रखा था? अच्छा। वो बाबा ने सामान लिया, जब तक मैं खड़ी रहा गाड़ी पास। तुम जब वहाँ कन्नौज रोड पे सेठी किराना दुकान पे पहुँचे, हाँ, तो वो सामान खरीद रहे थे किराना का, हाँ, तुम वहीं खड़े थे, हाँ, फिर क्या हुआ? फिर वो एक भैया गए थे केंद्रीय बैंक बने से, क्या बुलाने मेरा को, हाँ, क्यों साफ बुला रहा है यार तुमको? हुँ, हुँ। तो मैं चली गया झोला लेके, मेरे पास ही था झोला। फिर क्या किया उन्होंने? कि तुम हम आवाज़ दे रहा, तुम रुक नहीं रहा, इसके हम सीआईटी से झोला हम क्या बेच रहा है? कुछ भी नहीं सर, पैसा है इसमें, बता उसके हमको बता, तुम खोल के बता ले, देख लीजिए पैसा है। उसने एक दो ने ऐसे एक देखे और जब तक वो एक दूसरे ने हाथ डाल दिया, देख लिया कि जाओ। तो तुम्हारे सामने झोला चेक किया ना? हाँ, अपने सामने। तो फिर तुम देख नहीं पाए पैसे? देख नहीं पाया सर, मैं वैसे एक ऐसे करे करो, एक ने हाथ डाले शायद निकाल लिया। फिर हम थोड़ी दूर गए, बिजली ऑफिस में रास्ता जाए ना, मिनकी यार एक भैया और मेरे को साथ में, मिनकी यार ने पैसा वैसा चेक करे अपने, निकाल तो नहीं लिया, देखा सर ये अपन वहाँ जाके देखे, खोले झोला, तुम 3 गड्ढे निकले। पहले कुल कितनी गड्डी थी? 4। 4 गड्डी थी, 1 गड्डी उसमें कम हो गई। कम हो गई। अच्छा, मतलब उन लोगों ने तुमसे बात की? हाँ, फिर हम वापस आए तो केंद्रीय बैंक में गए हम। हाँ। सर यार हमारा ना पैसा निकाल लिया यार, कोई खड़े था, मैंने तुम्हारा आदमी था कि अपना नहीं था यार, कि तुम वहाँ जाओ उसके थाना में। फिर हम देख देंगे कैमरे में कोई आ रहा था। दोनों किसान की राशि थी उसी में? मेरी एक है लाइक, उसके 23,000 रुपये मिला था बाबा का, वो पैसे उनके पास थे, वो उसके झोला में। जब उसने जैसे हाथ डाल के जब निकाला, जब मैं ध्यान ही नहीं आया, वो एक के देखा करे, वो जो ऐसी गड्डी करे करे पकड़ के छोड़ दे, पकड़ के छोड़ दे, जब तक वो एक दूसरा देख नहीं पाए। देख नहीं पाए। आपको ये पता है कि उसने हाथ डाला उसमें? हाँ। दो लोग थे? दो थे। कब उसने निकाल लिए तो मैं वो नहीं रहा। और फिर हमने बांध लिया झोला और चल दिया, गाड़ी चालू कर ली उधर उधर। सर आज एक किसान के साथ 50,000 रुपये की लूट का मामला आया है सामने। लूट नहीं, लूट नहीं है ये तो, उसको वो करें, वो चोरी या ठगी दो में से एक चीज़ रही, वही मैं देख रहा था क्योंकि लूट होती तो छीन के भागता, छीना झपटी मतलब बाजार में ऐसी चर्चा। हाँ, जिसमें बल प्रयोग किया जाए। अच्छा। किसी भी तरह का तो लूट होती। जी जी। ये कैसे क्या हुआ पूरा घटनाक्रम? आज लगभग 1:30 बजे के आसपास की घटना है। सोमगांव का रहने वाला किसान मोहन पिता मांगीलाल राठौर, उम्र लगभग 52 साल है, वो अपने एक अन्य साथी मदनलाल हरजन के साथ में गल्ला मंडी कोऑपरेटिव सोसाइटी से पैसे निकालने आया था। उसने वहाँ से अपने अनाज के जो बिक्री किया था उसके 2 लाख रुपए निकाले और एक झोले में रख के और मोटरसाइकिल से बाहर कन्नौज रोड पे सेठी किराना दुकान पे पहुँचे। वहाँ पर जो उसका साथी था मदनलाल, वो कुछ सामान खरीदने लगा। उसी समय एक व्यक्ति उनके पास पहुँचा और उसने इसे मोहनलाल राठौर से बोला कि तुम्हें साहब, पहले तो बोला कि झोले में क्या रखा है, क्या सामान बेच रहे हो? उसने कहा इसमें कुछ नहीं है। उसने कुछ तो रखा है, तो उसने कहा पैसे रखे हैं। तो बोले वो साहब बुला रहे हैं ऐसा करके, और वो दूसरे उसके साथी के पास ले गया और वहाँ भी सिविल में एक और व्यक्ति वहाँ खड़ा था, उनने उसका झोला लेके और उसमें चेक करने लगे पैसे। और जब तक वो जो किराना सामान खरीदा वो भी वहाँ पहुँचा, तो उसको उन्होंने इशारे से दूसरी तरफ भेज दिया कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो। और पैसों को गिनते हुए अंदर ही झोले के अंदर ही
और उसका ध्यान बटा के बातचीत करते हुए और उसमें से एक गड्डी 500 रुपये वाली 50,000 की निकाल ली और वापस झोला बंद करके उसे दे दिया। जब वो वहाँ से पैसा लेके थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो उसको कुछ शंका हुई कि उन्होंने पैसे टटोले थे तो कोई कम ज़्यादा तो नहीं हो गए। उन्होंने खोल के चेक किया तो उसमें एक गड्डी 50,000 रुपये की नहीं मिली, 1.5 लाख रुपये उसमें निकले। फिर वो आसपास उसने वहाँ तलाश की उन लोगों की, नहीं मिले। उसने अपने परिचितों को बता के फिर वह थाने पर आया था। तो ये कितने लोग थे सर इस प्रकार? हमने आसपास जो सीसीटीवी कैमरे चेक किए हैं उसमें 2 लोग नज़र आ रहे हैं। दोनों ड्रेस में थे? नहीं, दोनों सिविल ड्रेस में थे। एक चौकड़ी ब्राउन कलर की शर्ट पहना हुआ था, दूसरा सफ़ेद क्रीम कलर की शर्ट पहना था और दोनों ही लगभग 45-50 साल की उम्र के लग रहे हैं। उनके मुँह पर मास्क लगा है और केप लगाए हुए हैं।